हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन एंड माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 8 है वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इतना भी लेंदी नहीं है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इसके थोड़े से सब पार्ट डिवाइड करके हम इसे समझेंगे, ताकि आपको सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आए और आप सब कुछ कवर कर पाए। तो इस चैप्टर में ना हम डिवाइड करके करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। तो आई होप आप अच्छे से मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे और पूरी वीडियो को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक बार आप फ्लो में बैठ जाते हैं ना पढ़ने, तो ज्यादा बेनिफिट रहता है एज कम्पेयर टू कि आप बार बार चला रहे हैं, 5 मिनट देखते हैं फिर बंद कर देते हैं फिर चलाते हैं, तो वो उसमें मजा नहीं आता। तो आप फ्लो में कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी चैप्टर समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस। तो यहाँ हमें दिया है 8.1 कॉर्पोरेट एक्शंस। तो हम समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं। तो व्हाट आर कॉर्पोरेट एक्शंस, तो यहाँ पे इसे समझा रखा है, पढ़ते हैं। Corporate action tend to have a bearing on the price of a security. When a company announces a corporate action, it is initiating a process that will bring actual changes to its security, either in terms of number of shares. अभी देखना, ये important चीज़ें हैं। In terms of number of shares, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? Okay, number of shares increasing in the hand on the shareholders or a change to the face value of the security or receiving share of a new company by the shareholders and in case of merge and acquisitions etc. So by understanding these different type of processes and their efforts, an investor can have a clearly picture of what a corporate action indicate about a company financial affairs and how that action will influence the company share price and performance. तो यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट एक्शन को क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट होती है हमारी एक कंपनी, कॉर्पोरेट से आप समझ सकते हैं कंपनी, और एक्शन मतलब वो ढिशुम ढिशुम वाला एक्शन नहीं, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि कोई काम करना, कोई वर्क, कोई डिसीजन लेना, वो वाला एक्शन यहाँ पे बात किया है। तो जब कोई कंपनी क्या करती है, कोई एक्शन लेती है, कोई कंपनी क्या करती है, काम करती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। तो अब कंपनी किस टाइप के काम करती है, उस किस काम को हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलेंगे, कंपनी तो बहुत सारे काम करती है। तो देखो अभी जो कंपनी है वो क्या करती है, वो हमारी सिक्योरिटीज, ये सब हम फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ रहे हैं, तो हम इसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि जब कोई कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, या फिर इंक्रीजिंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स और अ चेंज टू फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। देखो जब कोई कंपनी क्या करती है, अगर उसकी कंपनी में शेयर्स हैं उन्हें बढ़ा रही है या कम कर रही है, तो इंक्रीज करना या कम करना, डिक्रीज करना, तो ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, तो हम कोई एक्शन कर रहे हैं ना, तो वो कॉर्पोरेट एक्शन का एक पार्ट होगा। इंक्रीजिंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स, अब हमारे शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या वही शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो ये सारे काम क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन में आते हैं। ऐसे ही हमारी फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है, वो मतलब फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो रही है, यानी कि अगर कोई हमारी सिक्योरिटी, अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की है, तो उसकी फेस वैल्यू सेम है या बढ़ रही है या कम हो रही है वो सब, या फिर जो है कोई नए शेयर्स हमारी कंपनी में आ रहा है, तो ये इस सारी जो इस चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो किसमें आती है, कॉर्पोरेट एक्शंस में आती हैं। अब देखो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अभी ये सारी चीजें क्या बताती हैं, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या होते हैं। अभी इन्हें हम डीपली समझेंगे, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन आर टिपिकली एग्रीड अपॉन बाय अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑथोराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स। सम एग्जाम्पल आर डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट्स, राइट इश्यूज, बोनस इश्यूज एक्सेट्रा। अभी देखो अगर आपको थोड़ी बहुत बाहर से आवाज आती है ना, तो प्लीज आप कॉर्पोरेट करिएगा, क्योंकि अभी मैं सबके लिए, तो मतलब जो बाहर से आवाजें आ रही है उनके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती ना, तो आप प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट करिएगा। तो अभी ये देखो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं हमारे, देखो कॉर्पोरेट एक्शंस लेता कौन है, सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब कौन डिसाइड कर देगा कौन कॉर्पोरेट एक्शंस लेगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन किसके बेसिस पे एग्री किए जाते हैं, कंपनीज बोर्ड डायरेक्टर एंड ऑथोराइज्ड बाय शेयर होल्डर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या है, एक पोजीशन है, ओके। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, ये कॉर्पोरेट एक्शंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट एक्शंस लिए जाते हैं वो कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू लिए जाते हैं। तो कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, डिविडेंड्स, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू, बोनस इश्यूज एक्सेट्रा। तो डिविडेंड हमने पढ़ रखा है, स्टॉक स्प्लिट हम अभी पढ़ेंगे, राइट इशू भी हमने पढ़ रखे हैं, बोनस इश्यू भी पढ़ रखे हैं, पर फिर भी हम क्या करेंगे ना, रिवाइज करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम दोबारा समझ लेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कॉर्पोरेट एक्शंस में आती हैं। तो अभी देखो आगे देखते हैं हम, व्हाट इज मेंट बाय
व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी। अब देखो एक बड़ी कन्फ्यूजन आती है, बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि डिविडेंड और इंटरेस्ट एक चीज है या अलग अलग चीज है। तो देखो वैसे तो ये एक ही चीज है, बस इनके दो नाम है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, ओके, जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो अगर हम उन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उन पे जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ओके। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो हमें रिटर्न मिलता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर कंपनी देगी तो हम उसे डिविडेंड कहेंगे, और अगर गवर्नमेंट देगी यानी कि जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रिटर्न मिलेगा उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। तो अब देखो व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी, यानी कि जो डिविडेंड हमारी कंपनी ने डिक्लेयर किया है उसका मतलब क्या होता है। तो रिटर्न्स रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर इन इक्विटी कम इन टू फॉर्म में। तो अभी हम इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो जो इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें दो तरह से रिटर्न मिलता है। पहला ग्रोथ इन द वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एंड सेकेंड डिविडेंड्स। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ अ कंपनी अर्निंग टू शेयर होल्डर्स यूजली ट्वाइस अ ईयर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनल डिविडेंड एंड एन इंटर्म डिविडेंड। डिविडेंड इज देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर। नॉर्मली द डिविडेंड इज एक्सप्रेस ऑन अ पर शेयर बेसिस फॉर इंस्टेंस। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं। अभी देखो क्या बोला है कि जो इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ना दो तरह से रिटर्न मिलता है। अभी वो कैसे कैसे मिलता है, पहला है हमारा ग्रोथ इन द वैल्यू मार्केट प्राइस, यानी कि जो इन्वेस्टर क्या करता है इक्विटी में शेयर में इन्वेस्ट आज कर रहा है, तो अगर वो अच्छी कंपनी है, वो सही से काम कर रही है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो इन फ्यूचर क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, यानी कि वो कंपनी आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी तो क्या होगी, उसकी कैपिटल, जो कैपिटल है कंपनी की, जो कमाई है वो बढ़ेगी। अब कमाई बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी उस कंपनी की, यानी कि उस कंपनी की मार्केट प्राइस भी बढ़ रही है। तो इस तरह से अगर आज आपने उस कंपनी में 100 रुपये लगाए तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा, वो 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या पता आपने, क्या पता वो 1 लाख हो जाए, और क्या पता कंपनी ना काम करे तो डूब जाए। लेकिन सारी कंपनी तो नहीं डूबती ना इतनी आसानी से, तो कोई कंपनी नहीं डूबती है, ये तो बहुत रेयर केस होता है कि कोई कंपनी डूब गई। तो लेकिन सारी कंपनी क्या करती है, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा काम करती है तो फ्यूचर में क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई इन द वैल्यू, यानी कि उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है, सबको पता है कि इन फ्यूचर वो कंपनी क्या होने वाली है, ग्रो होने वाली है, तो हर कोई अपना बेनिफिट देख रहा है, तो वो चाहेंगे कि वो क्या करें, उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी अगर यहाँ पे एक कंपनी को उसके पास बस, अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, सच में नहीं है, अगर ये कंपनी क्या है उसके पास बस 10 ही शेयर हैं और खरीदने वाले 100 हैं, तो क्या करेगी, उसे वो तो वो 10 शेयर बेचने हैं और खरीदने वाले तो 100 हैं, तो वो प्राइस बढ़ा देगी, तो ग्रोथ की क्या, वो जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वैल्यू भी ग्रो हो गई। तो अगर वो पहले शेयर 500 का था, अब वो 1000 का या 2000 का बेच रही है, लेकिन जो चाहते हैं उसे खरीदना, वो 1000 और 2000 में भी खरीदेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है हमारे उसकी मनी की, वो क्या होती है, ग्रो होती है इक्विटी में जब अपना पैसा लगाते हैं। और दूसरा क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ कंपनी अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड अभी हमने समझा, इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, लेकिन अगर कंपनी देती है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ कंपनी अर्निंग, जो भी कंपनी कमाती है उसमें से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उन होल्डर्स को हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, उनका पैसा उन्हें थोड़ा सा पैसा उन्हें क्या कर देते हैं, दे देते हैं, कब, अपनी ट्वाइस अ ईयर इन फॉर्म ऑफ फाइनल डिविडेंड। अपनी जो कंपनी की अर्निंग है उसमें से कुछ पैसा हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स, डिविडेंड होल्डर्स को क्या करते हैं, ट्वाइस अ ईयर, एक साल में करीबन 2 बार क्या करते हैं, उन्हें हम दे देते हैं, किस फॉर्म में, एक फाइनल डिविडेंड की फॉर्म में। अब डिविडेंड इज देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर, और जो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, डिविडेंड में पैसा लगाते हैं, सॉरी उसकी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो उन्हें रिटर्न मिलेगा, रिटर्न यानी कि डिविडेंड मिलेगा। तो एक तरह से क्या है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही हो है, उनके लिए तो पैसा आ ही रहा है ना, तो डिविडेंड क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम होती है शेयर होल्डर्स के लिए। और ये क्या करती है, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, अभी एग्जाम्पल यहाँ पे बस ऐसा ही है कि अगर एक कंपनी में पर शेयर क्या है, 3 रुपए का है, मैं आपको सीधा सीधा समझा रही हूँ, तब पढ़ के नहीं दिखा रही, मैं आपको सीधा सीधा समझा देती हूँ। और कंपनी क्या करती है, कंपनी देखो, सो द कंपनी दैट हैज अर्निंग पर शेयर इज रुपीज इन अ ईयर इज रुपीज 6। देखो अगर कंपनी 6 रुपए कमा रही है एक साल में,
इस बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अगर 6 रुपए कमा रही है तो उसको जो डिविडेंड होल्डर है उन्हें क्या करेगी वो, उनका जिस भी हिसाब का पैसा है, जो भी उनका डिविडेंड होल्डर का जो शेयर होल्डर्स है उनका जो भी पैसा बनता है वो उन्हें दे देती है। तो अगर 3 रुपए उनके बन रहे हैं एक साल में तो वो उन्हें दे देगी, तो पे कर देगी उन्हें 3 रुपए और बाकी के बचे हुए क्या कर लेगी कंपनी अपने प्रॉफिट के टाइप पे अपने पास रख लेगी। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड सीधा सीधा हमारा रिटर्न जो हमें वापस मिलता है वही, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। अभी आगे हम बढ़ लेते हैं, देखो व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड यील्ड, यानी कि डिविडेंड यील्ड से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक एंड द डिविडेंड पेड बाय इट्स अश्योरिंग कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग पास्ट ईयर डिविडेंड। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करता है डिविडेंड यील्ड को, तो एग्रीगेटिंग पास्ट ईयर डिविडेंड एंड डिवाइडिंग इट्स करंट स्टॉक प्राइस। अभी देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर शेयर प्राइस है हमारा 360 और एनुअल डिविडेंड हमारा 10 रुपए, तो डिविडेंड यील्ड कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, फॉर्मूला क्या है हमारा कि हमें क्या करना है, पास्ट ईयर डिविडेंड, तो पिछले साल के डिविडेंड जो डिविडेंड है हमारा उसे डिवाइड करना है, यानी कि 10 को किससे डिवाइड करना है, एनुअल डिविडेंड हमारा, तो इसे हमें किससे डिवाइड करना है, डिविडेंड बाय इट्स करंट स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस यानी कि हम यहाँ पे देखो हमें शेयर प्राइस दे रखा, तो इसी को हम ले लेंगे, तो 360 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कटा, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 36। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट गाइस, देखो मैंने आपको पूरा नहीं बताया। देखो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो डिविडेंड प्राइस है वो, और जो हमारा डिविडेंड बाय, देखो जो हमारा पास्ट ईयर डिविडेंड प्राइस है वो हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे करंट स्टॉक प्राइस से और मल्टीप्लाई क्या करेंगे उसमें 100 पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, 1 × 100 100 और अपॉन में 360, तो 36 को अगर हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36 टूजा क्या होता है, 36 टूजा आ जाएगा यहाँ पे हमारा 36 6 2 12 2 यहाँ पे 1 carry 6 और 72। अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 9 में से 7 गए, यहाँ आ जाएगा हमारा 2। अभी ऐसे ही हम पॉइंट लगा के 0 और फिर 7 7 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखो ऐसे ही यहाँ पे बस हमें एक एग्जांपल दे रखा है तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखो हम आगे भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ और भी दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें ओके, तो हिस्टोरिकली अ हायर डिविडेंड यील्ड हैज बीन कंसीडर्ड टू बी डिजायरेबल अमंग इन्वेस्टर, अ हाई डिविडेंड यील्ड इज कंसीडर्ड टू बी एविडेंस दैट अ स्टॉक इज अंडर प्राइस, वेयर एज अ लो डिविडेंड यील्ड इज कंसीडर्ड एविडेंस दैट द स्टॉक इज ओवर प्राइस, अ नोट ऑफ कॉशन हैज थ्रो देयर हैज बीन कंपनीज इन द पास्ट विच हैड अ रिकॉर्ड ऑफ हाई डिविडेंड यील्ड Only to go burst in। अभी देखो यहाँ पे हम क्या समझ लेते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे हमें बताया है कि जो हायर डिविडेंड यील्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है लोगों में काफी, जो इन्वेस्टर है उनमें काफी ज्यादा क्या रहता है, प्रभावशाली रहता है, काफी ज्यादा कंसाइडरेबल रहता है, तो ज्यादा लोग क्या करता है डिजायरेबल समझते हैं, काफी अच्छा समझते हैं अपने लिए। तो जिस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, यानी कि ये जो डिविडेंड यील्ड है अगर वो हाई होगा तो क्या रहेगा इन्वेस्टर्स के बीच में ज्यादा डिजायरेबल रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो हायर डिविडेंड यील्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि उसमें जो स्टॉक है वो क्या है अंडर प्राइज है, और जो हमारे लो डिविडेंड यील्ड है उसे कैसे कंसीडर्ड किया जाता है कि इसमें जो स्टॉक्स है वो ओवर प्राइज है। तो अभी देखो आगे जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसमें भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, तो वो भी हम रीड कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड देयरफॉर कैन बी ओनली वन ऑफ द फैक्टर इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। अभी देखो जैसे हमने पढ़ा कि जो हायर डिविडेंड होगा उसे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ये कंपनी ज्यादा अच्छा दे रही है डिविडेंड, तो ये ज्यादा अच्छी होगी शायद। तो डिविडेंड यील्ड क्या है, सिर्फ एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम कंपनी को परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं। सिर्फ डिविडेंड क्या है, हम डिविडेंड यील्ड से बस एक छोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड पे ही डिपेंड करती है। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो जिनका लोगों को पसंद नहीं आया डिविडेंड यील्ड, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा अच्छे से फ्लरिश हुई है। तो डिविडेंड यील्ड क्या है, सिर्फ इकलौता एक फैक्टर नहीं है जिससे पे हम कंपनी की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। तो ये हमने स्टॉक स्प्लिट हमें पढ़ना है, हमें समझना है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। सबसे पहले तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है स्टॉक
स्प्लिट, स्प्लिट मतलब बांट देना, डिवाइड कर देना। तो अभी हम देखते हैं अ स्टॉक स्प्लिट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन। हमने पहले पढ़ा था ना कि स्टॉक स्प्लिट, अभी मैं अगर आपको दिखाती हूँ तो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कॉर्पोरेट एक्शन टिपिकली एग्रीड अपॉन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और सम एग्जांपल क्या है हमारे स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे है। तो अभी देखो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है, तो अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं स्टार्ट तो कर दे रही लेकिन गली में इतने जोर जोर के गाने बज रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर आप भी सुनो, आप भी मनोरंजन लेना, और थोड़ी देर में हम क्या करेंगे सर स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो इनके गली वालों के संगीत थे वो बंद हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पे अपना वापस से अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने रखा व्हाट इज अ स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता था मैंने समझा दिया था कि स्टॉक को जो हम क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट मतलब डिवाइड कर देना। ओके, तो अ स्टॉक स्प्लिट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन विच स्प्लिट द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फेस वैल्यू इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन सो दैट द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेज। However, the market capitalization or the value of shares held by the investor post-split remains the same as that before the split. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे भी रीड करते हैं, फिर मैं आपको दोनों साथ में समझा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी हैज इशूड 1 करोड़ शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड द करंट मार्केट प्राइस बीइंग ₹100 a two for one stock split would reduce the face value of the share to 5 and increase the number of the company's outstanding shares to 2 crore, 1 crore 10 by 5. Consequently, the share price would also have, half to ₹50, so that the market capitalization or the value shares held by the investor remains unchanged. It is the same thing as exchanging a ₹100 note for 250 notes. The value remains the same. Okay, अब इतना तो हमने पढ़ लिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 रुपए इतनी सारी बातें हो गई। अभी हम समझते हैं मतलब क्या है। अब देखो एक स्टॉक स्प्लिट होता है वो क्या होता है, एक कॉर्पोरेट एक्शन है, तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं यानी कि जो शेयर्स अभी फिलहाल हमारे पास हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं और भी ज़्यादा स्मॉलर डिनोमिनेशन में और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर टोटल शेयर कंपनी में 10 हैं तो अगर मैं स्टॉक स्प्लिट करती हूँ तो मैं उन 10 को और छोटे पार्ट में डिवाइड करके 20, 40, 50, 60, 100 भी कर सकती हूँ। तो जब हमने शेयर्स को क्या कर देते हैं और भी ज़्यादा छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हैं तो वो होता है हमारा स्टॉक स्प्लिट। अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो मैं दोबारा समझा रही हूँ। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है 1 करोड़ वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं इससे भी आसान दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। अब एग्जाम्पल लेके चलो कि आपके पास क्या है, 100 शेयर है, ठीक है। अब 100 शेयर का जो दाम है वो क्या है, एक शेयर का समझ लो प्राइस है ₹10। तो टोटल शेयर कितने हैं हमारे पास, 100 शेयर हैं, और शेयर का प्राइस क्या है, एस मीन शेयर, एस पी मीन शेयर प्राइस, तो शेयर का प्राइस है हमारा समझ लो ₹10। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुई, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की कमाई कितनी, कंपनी की कीमत कितनी हुई, वो हम कैसे निकालते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी की कैपिटल आ जाएगी हमारी ₹1,000, ठीक है। अब अगर हमारे जो शेयर हैं अगर ये 100 हैं और अगर मैंने 100 के ना करके इन्हें 200 कर दूं तो मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। अब मैंने एक शेयर को क्या किया, अगर मैं एक शेयर को 2 में डिवाइड कर दूं तो 100 शेयर, अगर एक शेयर मेरा 2 में डिवाइड हो रहा है यानी कि एक शेयर अब क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। देखो अगर एक शेयर 2 बन गया तो 2 शेयर डिवाइड करेंगे, अगर एक शेयर 2 हो रहा है तो 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऐसे ही 100 शेयर क्या हो जाएंगे, 100 शेयर हो जाएंगे हमारे 200 शेयर। तो अब अगर हम देखें लेकिन प्राइस सेम ही रहेगा, अगर ये एक शेयर का हमारा ₹10 का था और इसी शेयर को मैं ₹2 में डिवाइड कर दूं तो ₹10 का एक शेयर अब 2 शेयर में कितना हो जाएगा, यानी कि एक शेयर की कीमत हो जाएगी ₹5 और दूसरे शेयर की कीमत हो जाएगी ₹5। तो यानी कि हमने एक ही शेयर को क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसकी वैल्यू को आधा कर दिया। तो ऐसे ही अब यहाँ पे अगर हमारे एक से अब हमारे टोटल शेयर थे पहले 100, अब कितने हो गए, 200 हो गए, और पहले एक शेयर का प्राइस क्या था, ₹10 था। तो अब क्या किया हमने, डिवाइड किया है तो अब क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, अब एक शेयर का प्राइस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ₹5। तो अभी आप बहुत अच्छे से आए हो, आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं
जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें हम क्या कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें, अगर हमारे पास 10 एग्जिस्टिंग शेयर हैं, और भी इजी एग्जांपल ले जाओ, अगर हमारे पास टोटल शेयर ही 10 हैं और एक शेयर की वैल्यू है हमारी समझ लो 10 रुपये, एक शेयर 10 रुपये का, तो टोटल शेयर कितने हैं 10, तो 10 शेयर कितने के हो जाएंगे 100 रुपये के हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन 10 शेयरों को क्या करूं, 10 शेयरों को डिवाइड कर दूं, एक इंसान ने अगर एक शेयर खरीदा है और मैं इन शेयर्स को क्या कर दूं और भी ज़्यादा डिवाइड कर दूं, तो अब उसने एक शेयर खरीदा था, अब मैंने एक शेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो इंसान क्या करेगा, अब उसे दो शेयर खरीदने पड़ेंगे उतने ही प्राइस में। तो अगर वो 10 रुपये में एक शेयर खरीद रहा है, अब मैंने उसे एक शेयर को क्या कर दिया, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो अब उसे 10 रुपये में अगर खरीदना है तो वो क्या करेगा, तो 10 / 2 क्या हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया है कि अगर एक कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स हैं और हर एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपये है, और यहाँ पे दे रखा है, और अगर हम अगर स्टॉक स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगी 200 रुपये, 2 करोड़ रुपए, और जो 10 रुपये हैं वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड होके एक शेयर जो था वो दो में डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो 10 रुपये क्या हो जाएंगे, 5 रुपये में बदल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजीली समझाया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा फोकस करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा पढ़ के समझा रही हूँ। एक ABC कंपनी है, ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, अब वो 40 रुपये में एक शेयर है और टोटल शेयर कितने हैं, 100 मिलियन शेयर हैं, एक शेयर का दाम है 40 रुपये और टोटल शेयर है 100 मिलियन, तो अब मार्केट की कैपिटलाइजेशन कितनी हुई, 40 × 100 मिलियन क्या हो जाएगा, 4000 मिलियन। ठीक है, तो 40 और 100, तो ये 0 और 0 मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 4000 और मिलियन हो जाएगा, तो 4000 मिलियन क्या हो गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई इस कंपनी की। अब क्या करता है वो इन्वेस्टर, जिसने अगर एक इन्वेस्टर ने 400 शेयर खरीद रखे हैं, तो उसकी प्राइस क्या हुई, अगर उसने एक शेयर की वैल्यू है 40, अगर उसने 400 खरीदे हैं तो 400 × 40 क्या हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, है ना, 400 × 40 करके देखो आपका 16000 आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर एक इन्वेस्टर ने 400 शेयर खरीदे हैं तो उसका दाम है 16000, तो अब देखो आप कंपनी क्या करती है कि एक शेयर को 4 शेयर में स्प्लिट कर देती है, 4 for 4 for 1 स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो एक शेयर था उसे अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा, अब अगर उस इन्वेस्टर ने पहले एक शेयर खरीदा था 40 रुपये में, ठीक है, अब वही शेयर क्या हो जाएगा, उसके 4 पार्ट हो गए, तो 1+1 और देखो 1+1+1+1 अब उसी के 4 हिस्से हो गए, है ना, तो अब देखो एक तो उसने पहले खरीदा था, 3 और एडिशनल मिल रहे हैं उसे शेयर, तो अब क्या होगा, इससे क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखो जैसे आपको 100 रुपये का नोट मैं दूँ या 50-50 के दो नोट दूँ, बात तो वही है, मिलेंगे तो आपको 100 रुपये ही और कमाई भी आपकी 100 रुपये ही होगी, तो वैसा ही यहाँ पे, या तो एक शेयर का ही दाम 40 रुपये रख लो या फिर 4 शेयर के 10-10-10-10 रुपये ऐसे रख लो। तो अब यहाँ पे हमें यही दिया है कि उसे जब 3 एडिशनल शेयर मिले तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, एक शेयर जो हमारा 40 का था उसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का प्राइस हो गया अब 10 रुपये। अब अगर उसे 40 रुपये इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे हमारे 4 शेयर्स को वो खरीद लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो बस इसे हमारे स्टॉक स्प्लिट में यही है कि हम क्या करते हैं, एक पार्ट को, एक चीज़ को क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, बस इतना ही होता है हमारा स्टॉक स्प्लिट। तो आई होप आपको स्टॉक स्प्लिट अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ रिपीट करके पीछे से दोबारा आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में समझा रखा है कि ये क्या है, तो देखो अब मैं इसे ऐसा बताऊं या वैसे बताऊं आपको वही बात है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख के दे रखा है, तो आप इसे चाहें तो पढ़ भी सकते हैं तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है वो अभी हम देख लेते हैं, तो एक मिनट बस, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। ओके, तो यहाँ हमें दिया है व्हाई डू कंपनीज अनाउंस स्टॉक स्प्लिट। अगर हमारे यहाँ पे देखो मैं बताऊं आपको, अगर हमारे एक शेयर का प्राइस है 40 रुपये, ठीक है, अब मैं इसी शेयर को क्या करती हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, तो एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा फिर, मतलब अब देखो ये एक प्राइस है, एक चॉकलेट 40 रुपये की है,
तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप चार चॉकलेट दस दस वाली भी खा सकते हैं। तो सेम वही बात है कि आप चार का 40 प्राइस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक शेयर 40 रुपए का है, यहाँ पे चार शेयर 40 रुपए के हैं, लेकिन प्राइस तो सेम ही है ना, ये भी 40 ये भी 40, बस नंबर ऑफ शेयर ही तो बड़े हैं ना। तो यहाँ पे हमें यही देखा है कि अगर हमारी कैपिटल सेम रहती है तो भला कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है, क्या फायदा मिलता है, क्योंकि कंपनी की कैपिटल में तो कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो नहीं रहा, तो कंपनी क्यों ऐसा स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। तो इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट चेंज, व्हाट मोटिवेट्स अ कंपनी टू स्प्लिट इट स्टॉक, अगर कोई भी वैल्यू नहीं चेंज होती तो भला कंपनी जो है वो स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, क्या फायदा है कंपनी का इसमें। तो थ्रो देयर आर नो थियोरेटिकल रीजन इन फाइनेंशियल लिटरेचर टू इंडिकेट द नीड फॉर अ स्टॉक स्प्लिट, जनरली देयर आर मैनी मेनली टू इंपॉर्टेंट रीजन। तो अगर हम देखें तो कोई भी थियोरेटिकल रीजन नहीं है फाइनेंशियल लिटरेचर में कि कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, कोई ऐसा थियोरेटिकल रीजन नहीं दिया है, अभी भी नहीं है हमारे पास। लेकिन इसके क्या होता है, टू इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम ये स्टॉक स्प्लिट करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। वो दो रीजन क्या है, As the price of security gets higher and higher, some investors may feel the price is too high for them to buy, or small investor may feel it is unaffordable. Splitting the stocks bring the share price down or प्राइस डाउन टू अ मोर अट्रैक्टिव लेवल। अभी देखो पहला रीजन हमें यहाँ पर मिल गया, पहला रीजन क्या है कि अगर हम कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं, तो अभी देखो एक शेयर का ही प्राइस 40 रुपये था, तो अगर अभी हम छोटे लेवल पर देखें तो क्या होगा, अगर शायद कोई बहुत गरीब हो और वो छोटा इन्वेस्टर है, बहुत छोटा इन्वेस्टर है, तो वो देखेगा 40 रुपये का शेयर, यार मेरे तो बस की नहीं है। अभी आप इसे 40 नहीं 4 लाख रुपये लगा के चलो, ओके। तो अगर कोई देखे कि एक शेयर का प्राइस 4 लाख रुपये है, तो वो सोचेगा नहीं यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं तो खरीद नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पे नहीं है इतना पैसा कि मैं एक शेयर के लिए 4 लाख रुपये दूँ। लेकिन अगर हम क्या करें, उस शेयर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, तो अब वो एक शेयर पहले 4 लाख का था, अब अगर हम उसमें 4 इन्वेस्टर लगाते हैं तो वो एक शेयर क्या हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। प्राइस अभी भी 4 लाख ही है, लेकिन अब क्या होगा, 4 नए इन्वेस्टर आ सकते हैं और 1-1 लाख रुपए अपना लगा सकते हैं, तो वो सोचेगा 4 लाख से खरीदने से अच्छा है कि मैं 1 लाख रुपए लगा के ही इसे खरीद लूँ। तो देखो कि अब जब क्या होता है, एक सिक्योरिटी का प्राइस हायर एंड हायर यानी कि बढ़ता ही जाता है, तो कुछ लोग जो होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि ये उनके लिए अनअफोर्डेबल है, वो इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन अब कंपनी तो चाहेगी ना कि नए नए इन्वेस्टर आए, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इसलिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देते हैं, और जैसे ही प्राइस 4 लाख से नीचे गिर के 1 लाख आता है, तो वो क्या लगता है, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इच्छा जो है वो जाहिर करते हैं। अब अपना हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मुझे रखा है, इन आवर अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल टू बाय 1 शेयर ऑफ अ कंपनी ए बी सी यू नीड 440 प्री स्प्लिट, बट आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट द सेम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ब्रॉट फॉर ₹10, मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर मोर इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर। दिस लीड्स अस द सेकेंड रीजन, स्प्लिटिंग अ स्टॉक मे लीड्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक लिक्विडिटी सिंस मोर इन्वेस्टर आर एबल टू अफोर्ड द शेयर एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड ऑल्सो इंक्रीज इन द मार्केट। तो अब हमें क्या दे रखा है कि जैसे हमने अपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि एक ABC कंपनी थी जिसके एक शेयर का प्राइस क्या था, 40 रुपये था, है ना। लेकिन जैसे हमने स्टॉक को स्प्लिट किया, तो एक को हमने किसमें स्प्लिट किया, 4 स्टॉक्स में स्प्लिट कर दिया, तो अब 40 रुपये तो प्राइस था ना, तो अब एक शेयर का प्राइस क्या हो गया, 10 रुपये। तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, तो 10 20 30 और 40, तो अब एक प्राइस, एक शेयर का, एक स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, 10 रुपये हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए, ज़्यादा इन्वेस्टर क्या करेंगे उस शेयर को खरीद पाएंगे, छोटे इन्वेस्टर भी क्या कर पाएंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे उस कंपनी में। तो इसकी वजह से हमारा जो सेकंड रीज़न है वो क्या आता है कि जब हम स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक जो कंपनी है उसकी जो स्टॉक लिक्विडिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि नए नए इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में अपना अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी जो स्टॉक लिक्विडिटी है वो क्या हो जाती है, उसमें कंपनी में इंक्रीज हो जाती है, और ज़्यादा इन्वेस्टर क्या करते हैं,
उसे एक अफोर्डेबल प्राइस पे अपने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो 40 रुपए में उस शेयर को ना खरीदें, लेकिन 10 रुपए में 4 अलग अलग लोग क्या करेंगे, उसे सस्ता समझ के जल्दी खरीदने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन द मार्केट। तो जो हमारे शेयर्स हैं उनकी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकल के आती है, और जो टोटल शेयर हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।